ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ? सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त ताड़ना की है। उन्हें कहा कि तुसी लोकां दा कारोबार बंद नहीं कर सकते, डिफेंस दे लोकां नूं भी परेशान जड़ा है वो कीता जा रहा। सो जिस नाल ए जंतर मंतर ते प्रदर्शन करन दी दायर की अर्जी दायर की गई सी उसनों इनकार भी किया है कोर्ट ने, नाल ही इस नूं लेके ताड़ना भी की है, सख्त टिप्पणी भी की है। किसानां दे मुजाहरे ते सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी अज की है, जिथे की कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करदिया कहा है कि तुसी पूरे शहर का गला कोटिया होया है ते हुण तुहानूं शहर अंदर आउण दी और किसी भी तरह के मुजाहरे की इजाजत नहीं दिती जाएगी। दस दिए कि किसान महापंचायत ने जंतर मंतर ते प्रदर्शन करन दे लई अर्जी दायर कीती सी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करदिया कहा है कि तुसी ट्रैफिक व्यवस्था ठप कीती हुई है ते की हुण तुसी शहर के लोकां दा व्यापार भी बंद कर देना चाहते हो? सो ए सुप्रीम कोर्ट ने अज सख्त जड़ी टिप्पणी की थी है। सो किसी भी तरह के प्रदर्शन नु लेके या शहर दे विच एंट्री नु लेके कोर्ट ने साफ इनकार किया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि तुसी लोकां दा कारोबार बंद नहीं कर सकते। हरप्रीत बंदेशा दे नाल गल करदे आं। हरप्रीत, खासी ताड़ना जड़ी है सुप्रीम कोर्ट वालों की गई, सख्त टिप्पणी की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल किसान अंदोलन लगातार चल रहा है, इस तो पहला भी किसान अंदोलन लेके वक्रे वक्रे धिरां वालों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया थी। तो बकायदा सरकार वालों भी जो कहा गया थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो उस तो बाद रोक लगा दी गई थी इन कानूनों से। लेकिन हुण एक जिहड़ा परमिशन मंगी गई थी जंतर मंत्र से कि एक सत्याग्रह करन दी किसान महापंचायत वालों, तो उसे देखदा सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार जिहड़ी कीती है। उन्होंने कहा कि तुसीं शहर नूं बंधक नहीं बना सकते, तुसीं शहर नूं बंधक बनाया होया है, इस तरह हाईवे ते सड़कां जाम करन दा की मतलब है? जेकर तुसीं एस सी दे सामने सुप्रीम कोर्ट दे सामने आए हो ते प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करदिया यह भी कहा कि जेकर तिना कृषि कानूनों नूं कोर्ट दे विच चुनौती दी जा चुकी थी, इसके बावजूद महीनों तक सड़कां ते हाईवे जाम करन दा की मतलब है? ते जेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया थी तो कोर्ट ते भरोसा करना चाहिए थी, तुसीं इस तरीके नाल शहर नूं बंधक नहीं बना सकते। नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके दे नाल जिहड़े लोग ने उन्हां दे भी लोक नेड़े रहिंदे ने, उन्हां दे अपने हक ने, नाल ही उन्हां दी जिहड़ियां प्रॉपर्टियां ने उन्हां नूं डैमेज हो रहियां ने, सिक्योरिटी परसन जिहड़े ने ओह वी उन्हां वी परेशान हो रहे ने, नाल ही जिहड़े डिफेंस परसनल ने जिहड़े फौजी भरा ने उन्हां नूं वी रोकिया जाए। जेकर तुसीं एक वारी कोर्ट नूं अप्रोच करदे हो ते फिर उस तों बाद किसी भी तरीके का प्रदर्शन करन दा की मतलब बनता है? तो जाहिर तौर पर एक वड्डी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट वालों किसान अंदोलन से की गई है। तो मनिया जा रहा है हुण सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, उदन तस्वीर साफ होएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का किसान महापंचायत वालों जंतर मंत्र से सत्याग्रह करने की परमिशन मंगी गई थी उसको लेकर खासी तलख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट वालों की गई है। जी जी हरप्रीत, शुक्रिया फिलहाल दी सारी जानकारी। सो सख्त टिप्पणी की गई है, सख्त ताड़ना की गई है, इजाजत भी प्रदर्शन करने की जंतर मंत्र से हुण कोर्ट वालों नहीं दी गई है।